to all the learners of Mathetic Maths Adda. Students, आज का जो वीडियो है वो है सिंपल हार्मोनिक बेस्ड का सेकेंड वीडियो, जो सेकेंड फर्स्ट वीडियो था सिंपल हार्मोनिक मोशन का. उस वीडियो में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन देखी थी, उसका जो मोशन का डिस्कशन था, पूरा डेरिवेशन हमने किया था, जिसमें हमने प्रूव किया था कि जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला था 2π अपॉन रूट म्यू. टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ये सब पहले के वीडियो में बता चुका हूँ. जो इससे सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इससे पहला वीडियो था उसमें हमने देखा था. और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने प्रूव किया था, dx अपॉन dt का स्क्वायर जो था वो था म्यू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एम्पलीट्यूड क्या था, जो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट था उस डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या बोला था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला था, एम्पलीट्यूड बोला था. तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे इसके पहले के वीडियो में. सेकेंड वीडियो में जो हम आज सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और फॉर्मूले जो हम पहले डेरिवेशन कर चुके हैं उन फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो जो पहला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ वो देखिए, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड टी, टाइम पीरियड उसका टी दिया हुआ है, अबाउट अ सेंटर ओ. तो डायग्राम मैंने आपको पहले भी बताया था, वही डायग्राम बनेगा यहाँ पे. एंड इट पास थ्रू अ पॉइंट पी, एक पॉइंट इसके बीच में पी पॉइंट दिया हुआ है, और इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है, बी है. हमने जो ये एम्पलीट्यूड था इसको स्मॉल ए लिया हुआ था, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ए. और इस पी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, वी, पी पॉइंट पे इन द डायरेक्शन ऑफ ओपी, ओपी की डायरेक्शन में है ये. ओपी की डायरेक्शन से आपको पता लगेगा कि एक्स इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है. मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर आप ऐसे इधर को आ रहे हैं तो इस केस में एक्स डिक्रीज होगा, और ऐसे जाने पे एक्स इंक्रीज होगा, और अगर एक्स डिक्रीज होगा तो माइनस का साइन लेते हैं, और इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव साइन लेते हैं. प्रूव दैट द टाइम विच इलैप्सेस बिफोर इट रिटर्न टू पी इज दिस. आपको प्रूव करना है कि यहां से यहां पी से ए जाने में, ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से ए जाने में और ए से पी आने में, मतलब यहां से यहां और यहां से यहां आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम आपको ये प्रूव करना है. क्वेश्चन क्लियर है कि आपको क्या निकालना है, इस पी से ए और ए से पी आने में आपको जो टाइम लगेगा इस पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो टाइम आपको ये टाइम प्रूव करना है. तो हमको क्या करना है, हमको टाइम निकालना है ए से पी आने तक या फिर पी से ए जाने तक. ए से पी आने तक का अगर हम टाइम निकालेंगे और उसको टू से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको टाइम कौन सा निकालना है, पी से ए और ए से पी का, तो एक टाइम हम ए से पी का निकालेंगे उतना ही टाइम जाने में भी लगेगा. सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम है वो ये टाइम सेम लगेगा उतने ही पॉइंट की डिस्टेंस ट्रेवल करने पर. तो ये जो टाइम पीरियड है ए से पी तक का हम टाइम निकालेंगे उसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको वो टाइम ये मिल जाएगा. ये प्रूफ करना है आपको क्वेश्चन में. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में वी हैव टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2π अपॉन रूट म्यू इक्वेशन 1. ऑल्सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ये सब प्रूफ किया हुआ है हमने. dx अपॉन dt का स्क्वायर क्या था, म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां ए क्या था, एम्पलीट्यूड था. इक्वेशन 2 एट पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पे क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है इस पी पॉइंट पे, बी, और इस पी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, यानी कि dx अपॉन dt कितना है, वो है स्मॉल बी. ये वैल्यूज अगर हम यहां रखेंगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू ए स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3. इन इक्वेशंस का ही आपको यूज करना है ये टाइम निकालने में. तो अब देखिए इस इक्वेशन 2 का यूज करते हैं फिर से. फ्रॉम 2 dx अपॉन dt हमको जो टाइम निकालना है, रिक्वायर्ड टाइम मैंने आपको क्या बताया कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम टेकन बाय पार्टिकल फ्रॉम किस पॉइंट से, ए से पी. ए से पी तक का आने का टाइम निकालेंगे, उसका डबल करेंगे तो आपको आने और जाने का दोनों का टाइम मिल जाएगा. अब ये टाइम निकालना है आपको, और ये टाइम निकालने के लिए आपको इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. और इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब मैं इस
स्टेटमेंट को हटा दे रहा हूं, हम ए से पी तक का टाइम देख रहे हैं, तो ये dx अपॉन dt जो आएगा यहां से क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा रूट म्यू और रूट ए स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर आएगा। अब आप देखिए हम ए से पी तक का टाइम देख रहे हैं, तो इधर को आने पे क्या हो रहा है, एक्स डिक्रीज हो रहा है, और अगर एक्स डिक्रीज होता है तो मैंने आपको बताया था माइनस का साइन लेना होता है, इसको अपॉन में ले लेते हैं, माइनस वन अपॉन रूट म्यू डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। ये डी टी कौन सा टाइम हम ले रहे हैं, ए से पी तक का, ए टू पी इसका टाइम निकाल रहे हैं फिलहाल हम, तो हम ये मान रहे थे कि ए से पी तक का जो टाइम है वो है जीरो से टी होगा, टी वन मतलब इस पॉइंट पे जो टाइम होगा इनिशियली जीरो होगा, और यहां से यहां तक का टाइम मैंने मान लिया कि जीरो, और यहां पे टाइम कितना है टी वन। और अब आप देखो अगर हम ये वाला मोशन ले रहे हैं तो यहां पे पार्टिकल की एक्स की लिमिट क्या है, इस पॉइंट पे एक्स कितना है ए, और फिर ए से कहां आ रहे हैं हम बी पे, ये लिमिट हो गई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वन अपॉन रूट म्यू, ये फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए का, माइनस के साथ हम इसको लेंगे, और लिमिट क्या है ए से बी, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा टी वन। तो ये टी वन कौन सा टाइम है, ए से पी तक का, इसको मैं हटा दे रहा हूं, लिमिट अगर हम लगाएंगे तो क्या आएगा वन अपॉन रूट म्यू कॉस इनवर्स बी अपॉन ए, और माइनस कॉस इनवर्स ए अपॉन ए, यानी कि कॉस इनवर्स वन, और कॉस इनवर्स वन क्या होता है जीरो, यानी कि लोअर लिमिट में इसका आंसर जीरो होगा, ये हो गया टी वन, ये टी वन टाइम हो गया। अब आपको क्लास ट्वेल्थ का कंसेप्ट लगाना है, आपको जो आंसर लेके आना है वो टैन इनवर्स में लेके आना है, तो ये कॉस इनवर्स को टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा, कॉस में क्या आता है बेस और हाइपोटेन्यूज, तो इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वन अपॉन रूट म्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं टैन इनवर्स, टैन में क्या आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है बी, इज इक्वल टू कितना आ गया टी वन, वन अपॉन रूट म्यू टैन इनवर्स। आप देखिए इस इक्वेशन से अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लेता हूं तो स्क्वायर रूट लेने पे क्या होगा, ये वी बन जाएगा, ये रूट म्यू अपॉन में आ गया, और यहां क्या बनेगा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर हम वैल्यू क्या रख सकते हैं वी अपॉन रूट म्यू इंटू बी, ये टी वन की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए रूट म्यू की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन रूट म्यू टैन इनवर्स वी अपॉन रूट म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, रूट म्यू यहां जाएगा तो यह आएगा टू पाई अपॉन टी इंटू बी इज इक्वल टू टी वन, और ये वन अपॉन रूट म्यू की वैल्यू हम यहां पे रख लेते हैं तो ये टू पाई अपॉन में आ जाएगा, तो टी अपॉन टू पाई, देखिए रिजल्ट हमको ऑलमोस्ट मिलने वाला है यहां पे, टी अपॉन टू पाई टैन इनवर्स ये ऊपर चलाएगा टी वी अपॉन टू पाई बी। ये टाइम आप देखिए आपको टाइम कहां से कहां तक मिला है, अभी हमको ये टाइम मिला है ए से पी तक का, लेकिन हमको पी से ए और ए से पी दोनों टाइम निकालना है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता भी दिया था टाइम कितना हो जाएगा, ए से पी तक का जो टाइम है उसका हम टू टाइम्स कर देंगे, तो टी वन हमने निकाला हुआ, इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू से ये मल्टीप्लाई करने पर टू कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा टी अपॉन पाई टैन इनवर्स टी वी अपॉन टू पाई बी, और यही टाइम हमको इस क्वेश्चन में प्रूव भी करना था, तो बहुत आपको कोई ज्यादा कंसेप्ट यूज नहीं करना, सीधे फॉर्मूला यूज करना है, और आपको डायग्राम का यूज करना है, सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा इसमें। देखिए जो सेकंड न्यूमेरिकल है उसमें क्या दिया हुआ है, अ पॉइंट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज वेलोसिटीज वी वन एंड वी टू, वी वन वेलोसिटी है किस डिस्टेंस पे एक्स वन पे, और वी टू वेलोसिटी है एक्स टू पे, तो आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था टू पाई अपॉन रूट म्यू, ये टाइम पीरियड आपको निकालना है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था वेलोसिटी का, तो एक्स वन डिस्टेंस पे अगर एक्स की जगह पे हम एक्स वन रखते हैं तो उस केस में वेलोसिटी कितनी है वी वन, तो v1 स्क्वायर एक इक्वेशन ये हो गई आपके पास,
और ऐसे ही x की जगह पे हम x2 रखते हैं, और उस केस में वेलोसिटी कितनी है, v2। आपको यहां देखिए v2² - v1² चाहिए, तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेते हैं। क्या बन जाएगा ये, v2² - v1² दोनों को माइनस करेंगे तो म्यू कॉमन आ जाएगा, a² - x2² - a² + x1² ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। v2² - v1² = μ x1² - x2² तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v2² - v1² / x1² - x2² अब आपको क्या करना है, म्यू का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो रूट म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट v2² - v1² / x1² - x2² ये रूट म्यू की वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में रख दो, टी 2π/√μ था, रूट म्यू का मतलब v2² - v1² / x1² - x2² तो टी कितना हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 2π√x1² - x2² / v2² - v1² और ये टाइम पीरियड आपको इस क्वेश्चन में प्रूव भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसमें आपको दो पार्ट प्रूव करना है। अ पॉइंट एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन सच दैट इन टू इट्स पोजीशंस वेलोसिटीज आर यू एंड वी। दो पॉइंट पे वेलोसिटी दी है आपको यू और वी। द टू करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशंस आर अल्फा बीटा। शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स या टू पोजीशंस इज, ये प्रूव करना है आपको। तो हम ये मान लेते हैं कि दो पोजीशन, एक x1 है, x1 पे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, x1 डिस्टेंस पे वेलोसिटी u है और x2 पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, v। ये दो वेलोसिटी हैं और आपको निकालना क्या है, इन दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस, यानी कि आपको x1 - x2 निकालना है या x2 - x1, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस जो है x1 और x2 के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और वो आपको ये प्रूव करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डेरिवेशन जो इसके पहले लेक्चर में किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन के, उसमें फॉर्मूला क्या था, dx/dt का स्क्वायर किसके इक्वल लिया था हमने, माइनस म्यू एक्स, सॉरी ये dx/dt ना होकर के क्या था, एक्सेलरेशन था, dx/dt का स्क्वायर तो इंटीग्रेट करने के बाद बना था, ये था d²x/dt². ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मूला था वो ये था, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखिए आप, x1 पे पॉइंट पे एक्सेलरेशन अल्फा है और x2 पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है, बीटा। ये दोनों क्या है, एक्सेलरेशन, ये x1 पॉइंट पे और ये x2 पॉइंट पे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए आप, जैसे d²x/dt² का एक्सेलरेशन अल्फा है कब, जब x कितना है, x1 है, और ऐसे ही एक्सेलरेशन कितना है, बीटा, जब x कितना है, x2 है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे तो हमने माइनस लिया था, लेकिन इन दोनों केसेस में मैंने माइनस नहीं लिया है। इसका रीजन यह है कि ये एक वेरिएबल इक्वेशन है, और जनरल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एक्स के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डायरेक्शन दोनों देखते हैं, लेकिन ये अल्फा और बीटा क्या है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, तो यहां पे आपको माइनस का साइन नहीं लेना है। अगर आप किसी भी पॉइंट पे कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, जैसे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हमने डेरिवेशन में तो माइनस लिया था क्योंकि एक्स डिक्रीज हो रहा था, लेकिन ये अल्फा और बीटा x1 और x2 पे, एक x1 और x2 दोनों पॉइंट के हैं, फिक्स्ड है, और फिक्स्ड है तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों में आपको पॉजिटिव साइन लेना है। तो ये आपको स्टेप ध्यान रखना है यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे आंसर में आपको क्या प्रूफ करना है, α+β आ रहा है तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, α+β कितना आ जाएगा, μ x1 + x2, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और इसके साथ साथ जो वेलोसिटी का फॉर्मूला था वो था dx/dt², वेलोसिटी का फॉर्मूला था dx/dt² इज इक्वल टू क्या था, μ a² - x² जहां पे a क्या था, एम्पलीट्यूड। तो इस केस को देखेंगे अगर हम, तो u² इक्वल टू कितना आ जाएगा, μ a² - x की जगह पे क्या आ जाएगा, x1² और v² की जगह पे क्या आ जाएगा, μ a² - x2² तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला था हमने वहां पे जो रख दी।
अब आप यहाँ देखिए आपको वैल्यू किसके चाहिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो आपको प्रूफ करना है उस पर फोकस करिए और वो वैल्यूज आप निकालते रहिए। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो म्यू कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया म्यू एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर म्यू एक्स वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर म्यू एक्स वन प्लस एक्स टू हमने निकाला हुआ था यहाँ पे, एक्स वन प्लस एक्स टू यहां से रखेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा म्यू आ जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू म्यू से म्यू कैंसिल हो गया तो एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू कितना आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। और क्वेश्चन जब मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको यही बताया था कि आपको जो पहले पार्ट में निकालना है वो दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकालनी है, वो दो पॉइंट्स कहते हैं एक्स वन और एक्स टू, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के ये एक्स वन और एक्स टू डिस्टेंस है, इनके बीच के डिस्टेंस निकालने तो इसका मतलब आपको एक्स वन माइनस एक्स टू निकालना था, तो एक्स वन माइनस एक्स टू की वैल्यू क्या आ गई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये आपका हो गया पहला पार्ट। और सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना है एम्पलीट्यूड निकालना है, तो अगली वैल्यू निकालने के लिए हम फिर से इन इक्वेशंस का यूज करते हैं। देखिए आपके पास यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, और एक्स वन हम यहां से निकाल सकते हैं, एक्स वन कितना आ जाएगा यहां से अल्फा अपॉन म्यू, और एक्स टू यहां से कितना आ जाएगा बीटा अपॉन म्यू, तो एक्स वन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर, और v स्क्वायर में हम वैल्यू रखेंगे म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर। आपको क्या निकालना है a निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना और ये प्रूफ करना है इसको। तो इस इक्वेशन का एलसीएम लेंगे तो म्यू स्क्वायर जो आएगा एलसीएम आएगा तो म्यू स्क्वायर से एक म्यू कैंसिल होगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी साथ साथ कर लेते तो ये आ जाएगा u स्क्वायर म्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा वी स्क्वायर म्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इसको राइट साइड में लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा पहला टर्म ए स्क्वायर म्यू स्क्वायर, ये माइनस में जाएगा तो क्या होगा यू स्क्वायर म्यू माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, एक इक्वेशन ये हो गई, और इसको करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर म्यू माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, इसको इक्वेशन बी मान लिया हमने। स्टूडेंट्स अब आपको फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्लास टेंथ की मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए कॉमन वेरिएबल्स क्या है दोनों में, एक म्यू स्क्वायर कॉमन है और दूसरा वेरिएबल क्या कॉमन है म्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अगर हम यूज करेंगे तो जो फॉर्मूला होता था क्या आता था म्यू स्क्वायर, सेकेंड में निगेटिव आता था म्यू और तीसरा क्या आता था वन। जब म्यू स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस का यू स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर और माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, म्यू के केस में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और वन पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और माइनस वी स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, माइनस म्यू में कितना आ जाएगा ये माइनस का आएगा और ये प्लस का आ जाएगा, तो उसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका ये माइनस में आएगा ये प्लस में आएगा तो दोनों में ए स्क्वायर कॉमन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो अगर हम पहला और तीसरा रेशियो सॉल्व करें तो यहां से म्यू स्क्वायर कितना आएगा यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और अगर हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इससे म्यू स्क्वायर निकाल दें तो यहां आ जाएगा ए स्क्वायर यहां भी कॉमन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहां भी कॉमन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि
इन दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करने के साथ साथ म्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाली है. और क्यों निकाली है, क्योंकि दोनों में लेफ्ट साइड क्या है, म्यू स्क्वायर आपको मिल रही है. इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट अगर हम करें तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर. दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का होल पावर वन बाई टू. और यहाँ क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा और यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट. और यहाँ जो होल स्क्वायर है वो हट जाएगा, यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इस ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं उधर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर की पावर वन बाई टू अपॉन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की पावर वन बाई टू इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. तो ये हाफ पावर इससे कैंसिल होगी तो यहाँ हाफ पावर आ जाएगी. तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर की पावर हाफ अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. तो ये किसकी वैल्यू हो गई, स्मॉल ए, और स्मॉल ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू इतनी हमको मिल गई जो हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ भी करनी थी. तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में सॉल्व कीजिए. किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं.